हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका फोटो तो हमने लेक्चर वाले वीडियो में भी बनाया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स, इसका फोटो भी बना लेते हैं। पहले मॉड एक्स और 2 - x² का ग्राफ हम बनाएंगे, उसमें देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। इन दोनों में ये चीज मिनिमम है, तो -2 से लेके 2 तक के ग्राफ ये व्हाइट कलर वाला हो गया। अब बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स की। पहले एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, टू से थ्री में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, 3 पर ओपन ब्रैकेट, 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 3। खैर, जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है वो ओपन इंटरवल है। अभी जो मॉड वाली कहानी है ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉड एक्स फ्रॉम 2 से 3 तक के, तो दूसरा केस जो बनेगा अब एक्स -3 से -2 है, तो माइनस एक्स कहां से कहां तक हो गया, 3 से 2 तक, यही रिजल्ट आएगा इवेंचुअली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ इस इंटरवल में किस तरीके से होगा, -2 और -2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो कहां पर इंक्लूडेड है, इस वाले ग्राफ में। तो ये वाले ग्राफ को भी अपन इसके साथ बना लेते हैं। अब हमें देखना है कि -3 से 3 ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कहां कहां पर नॉन डिफरेंशियबल है। ये पॉइंट क्या है, -3, और ये पॉइंट क्या है, 3। इन दोनों को तो इंक्लूड ही नहीं करना है। एक तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है क्योंकि यहां पर तो फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलर ग्राउंड्स पे यहां पर भी, यहां पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, यहां पर भी शार्प कॉर्नर आ रहा है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये 1, 1 और ये -1, 1, और एक और शार्प कॉर्नर आ रहा है यहां पर। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन में यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट होता तब कितने पॉइंट्स होते, 7 पॉइंट्स, क्योंकि -3 और 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ x² -2 times mod x। पहले इसका ग्राफ समझते हैं भाई। ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स 0 और 2। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, -b/2a, -d/4a। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, दिस इज एज गुड एज दिस। तो अगर हमको एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, जो पार्ट ग्राफ का वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है वो तो डिलीट कर देते हैं, और जो पार्ट राइट साइड में है उसकी मिरर इमेज हो जाती है। तो इस चीज का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, क्वेश्चन में बाहर एक और मॉड लगा हुआ है, तो जो चीज ग्राफ की एक्स एक्सिस के नीचे है वो पहुंच जाएगी ऊपर। हमें किन को कंपेयर करना है, दिस एंड मॉड एक्स। अब एक साथ बनाते हैं इसको और मॉड एक्स को, और फिर देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है।
हमें जो कंपैरिजन करना है वो करना है मैक्सिमम में और मिनिमम में। तो पहले मैक्सिमम की बात करते हैं भाई, ऊपर वाला पार्ट। अब मैक्सिमम में जो जो पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो ये, क्योंकि मैक्सिमम का ग्राफ कैसा होगा, ये फिर ब्लू लाइन, फिर ऑरेंज कर्व, फिर ऑरेंज कर्व, फिर ब्लू लाइन, फिर ऑरेंज कर्व। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं शार्प कॉर्नर वाले, ये पांच। तो m की वैल्यू हो गई 5। अब अगर हम मिनिमम की बात करें तो नीचे वाले ग्राफ को एक्सेप्ट करना है, पहले ये ब्लू वाला, फिर ऑरेंज वाला, फिर ऑरेंज वाला, फिर ब्लू वाला, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, ये कंटिन्यू रहेगा और फिर ब्लू। तो यहां पर ये मिनिमम वाले केस में कौन कौन से शार्प पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन की वैल्यू आ गई 7। हमें निकालना है m माइनस n, वो तो -2 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इस ग्राफ बनाओ, शार्प कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करो। यहां पर कुछ चीजों को पहले डिफाइन करते हैं, ग्राफ बनाएंगे, इजीली हमारा काम हो जाएगा भाई। 0 से लेकर 1 तक के, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 1 पर ओपन ब्रैकेट, इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो एक्स ही होता है, तो इसको अपन लिख देंगे 1 माइनस एक्स। अब एक्स 1 से 2 है ये चौथी वाली डेफिनेशन में, तो पाई एक्स बाय 2 कहां से कहां तक हो जाएगा, कॉस पाई एक्स बाय 2 विल बी फ्रॉम -1 से 0, -1 पे क्लोज ब्रैकेट। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई इस पूरे इंटरवल में, -1। यहां पर 1 प्लस लिखा हुआ है तो 1 माइनस 1 0, ये पूरी चीज तो बन गई 0। अब हमारी डेफिनेशन क्या हो गई भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो सिंपल x हो गया, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी थी और उसके आगे भी 0 है, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो 1 से लेकर 2 तक के बोथ इंक्लूडेड द वैल्यू इज 0। तो अब मैं इस पूरी डेफिनेशन का जरा फोटो बनाता हूं फटाफट। अब यहां पर ये फोटो को देखकर कहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर, और नॉट डिफरेंशिएबल कहां कहां पर है, 1 और 0 पर। ये यहां पर ये शार्प कॉर्नर बन रहा है भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, सो द आंसर इज 1। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।